नमस्कार, मैं वेद प्रकाश सहयोगी जया के साथ दाकड़ हरियाणा में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। और आज हम पहुंचे हैं जिला जींद के जुलाना कस्बे में और यहां पर कुछ रोज पूर्व एक अनुसूचित जाति के युवक को पुलिस उठाकर ले जाती है और उसकी बेरहमी से हत्या कर देती है। दो रोज पूर्व 18 तारीख को परिवार वालों को पता लगता है कि उसकी मौत हो जाती है और आज पूरा समाज यहाँ पर जो कबीर जी महाराज की धर्मशाला है यहाँ पर डेड बॉडी के साथ बैठे हुए हैं। काफ़ी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ पर हैं। अंदर चल के दिखाएंगे, ये धर्मशाला है और अंदर बातचीत करेंगे, आप दिखाएंगे अंदर। काफ़ी संख्या आप देख सकते हैं, काफ़ी संख्या में यहाँ पर लोग यहाँ पर लगे हुए हैं। डेड बॉडी यहाँ पर रखी गई है, आप देख सकते हैं। लोगों में सरकार और पुलिस प्रशासन के खिलाफ भारी रोष व्याप्त है, आप देख सकते हैं। काफी संख्या में यहाँ पर लोग जमा है और भी लोगों का आना यहाँ पर लगातार जारी है, आप देख सकते हैं। काफी संख्या में लोग, हम बातचीत करेंगे और साथियों से। बैठ जाओ, एक बार बैठ जाओ। क्या नाम है सर? राकेश जी, पार्षद भी आप यहाँ से? 10 वार्ड से, 4 से मेरा भाई। अच्छा, आप वार्ड नंबर 10 से पार्षद हैं। तो किस तरह, क्या बात हुई, क्या घटना हुई, किस तरह, थोड़ा विस्तार से बताएं। ये घटना हुई जी, 13 तारीख को हमारा बेटी को लेकर जाता है लड़की। अच्छा। तो वहाँ से ले गए 4 बजे 13 तारीख को, यहाँ पुलिस वाले आते हैं 7-8 बजे और भाई को पकड़ के ले जाते हैं पक्की को। बहू का धक्का हमारे पक्की वाली को, आप पूछने लगे भाई क्या बात है, बोला तुझे क्या बता, हम बता देंगे। तो 4 बजे पीटते हुए लेके उसको, पीटते हुए लेके, तो फिर वो आए 11 बजे रात को। एक थे धीरे थे पूछिए, पता नहीं वो अपने पास से रहे क्या था क्या नहीं, उसमें यहाँ गेट पे खड़ा उसका फोटो खींच के ले गए। उसके बाद सर हमारे पास कोई उन्होंने मैसेज नहीं दिया, मैं सारे भाई को जेल में भेजता अपना जमानत करा लो या कुछ वकील ले जाओ, नंबर डाल ले जाओ, कोई पता नहीं। हमारे पास 18 तारीख को सुबह भाई चार वार्ड से उसके पास मैसेज आया है, भाई पप्पी नाम का आदमी मेडिकल में उसकी डेड बॉडी अभी नहीं पता। हमें सब यही पता चला जी, उन्होंने पुलिस वाले ने ये नहीं पता भाई थाने में कैसे मारा, 80 से मारा जी, 80 से मारा, कैसे मारा डेड बॉडी को। आप लोगों ने देखा है डेड बॉडी पर चोटों के निशान है? डेड बॉडी पर सर सारी कटोली बना रखी है जी, और पीछे हम बता नहीं सकते जी, यहाँ बाढ़ व्यक्ति जी है, ये नहीं बता सकते उसके साथ क्या क्या जुर्म किया है। यानी बुरी तरह यातनाएं देकर के बहुत ही बेरहमी से राक्षसी रूप करके मारा है। ये पप्पी क्या काम करता था? पप्पी जी डैडी मजदूरी कराया करता जी, डैडी मजदूरी कराया करता जी, अपने बच्चों पालन कर रहा था, सुबह काम बाजार था, सामना अपना कराया करता जी। तो परिवार में कौन कौन है? परिवार में जी उसकी घरवाली है, 3 बच्चे हैं, माता पिता, माता गुजरी है जी, पिता है, भाई है जी, 4। नमस्कार, क्या नाम है? किस तरह कब सूचना मिली आपको? 18 तारीख को सुबह 6:00 इस वार्ड में नाम के डॉक्टर की वहाँ पर एक्सपायर हो गई। तो फिर आप लोग उसको इस टाइम पी जी आई पहुँचे, किस तरह थोड़ा बताओ विस्तार से। मेरे ताऊ का ही लड़का है, चर्चा ताऊ का लड़का, तो इन्होंने जिस दिन उठा के ले गए थे इसके बीच में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी भाई ये चीज़ हो रही है, भाई इसको ले जाया जा रहा है, इसका वो कर दिया, कोई चीज़ नहीं। इन्होंने 13 तारीख को उठाया और 18 तारीख को सिर्फ डेथ का ही फोन किया। तो कितने बजे आप पी जी आई पहुँचे? पी जी आई हम सुबह 8 बजे पहुँच गए। 8 बजे पहुँच गए। तो डेड बॉडी को आप लोगों ने देखा है, तो डेड बॉडी पे शरीर पर कितने निशान थे, कहाँ कहाँ चोट के निशान थे? डेड बॉडी पे पूरे शरीर पे निशान थे, बताते हुए डेड बॉडी के निशान दिखाना बहुत ही बुरी देर में से मार रखा
उस जानवर को भी नहीं मारा जिस तरह उनने ऐसा काम कर रखा है। अब ये जो डेड बॉडी पर आप लोग जो निशान देख रहे हैं, इतनी बुरी तरह से निशान देखा भी नहीं सकते हैं स्क्रीन पर, क्योंकि इतनी बुरी तरह से यातनाएं दे करके इनको मारा गया है। आप देख सकते हैं बहुत बुरी तरह यातनाएं दी गई हैं। अब पूरा शरीर नीला पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। क्या नाम है? जगदीश जी, किस तरह क्या घटना हुई? थोड़ा घटना की अंदर करनाल में एक्सपायर हो गया था, उन्हें गए थे 8-13 तारीख में उठा के ले गए पुलिस वाले, तो उन्होंने पूछा मेरे को लड़के की ने उन्हें गोली मार के ले लिए, मेरा क्या कसूर है, किस तरह ठग ले जा रहे सो, मेरा आप मेरा बचाओ चक्कर खा लो गए रोटी लेके गया एक बार के दबा दिया जो बना के किसी का लड़का मरेगा कुछ नहीं मिला। उसके बाद 18 तारीख में उन्होंने लाशें मिली थी हमारे वगैरह में कि तो मारा ये करा, लेकिन उसका निशान इतने बड़े बड़े गिर रखे हैं और जो कोई भी है तुम्हें ये कल करे हमारे घर में उन्होंने हमारी कोई हुआ आज सुनवाई होगी। आरोपी पुलिस कर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ अभी तक? कुछ भी नहीं हुआ, किसी ने सुनाई नहीं कर ली थी। देश भी आया उन्होंने मेडिकल में लास्ट पे जरा नहीं थे मैं ठाके ने थाना लाके टेकी थाना वाला डी एस पी बोला रात के 12-1 बजे ही बिजली भी बंद कर दी गई थी और लास्ट में बोला लठमी लगेंगे थारे और मुकदमा थारे खिलाफ होगा। इस चक्के जी डरते मुखा हमने हमारा घर तो उठेगा घर तो हम नहीं कर देगा, हमने अपनी लाश ले गए अपने घर पर आए हर चीज देखी था कि हमने ऊपर आदमी है कोई ज्ञान नहीं किसी चीज़ का, देख कोई मन ना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, दो थोड़ी थोड़ी करना है एक लड़का है उसका, उसके बाद अनपढ़े देखो कि कुछ ना मिले है अगर नहीं मिलता माना तो हिसाब हो गया जी अक्सर कुंभ चक्कर आने लगे के पैसे सारे ही सारे कोई माता जी मतलब उसके बाद ना मैं ज्ञान ना मैं प्रशासन को बताता सारे लोग डांट मारे दबा दे रहा है डी एस पी आया बोला बदल दिया दूसरा आया से वो भी रहा आगे नहीं बोला तो खड़ा जो फलाना कर दो ये दबाओ और कुछ कार्रवाई नहीं हुई ना मेरी सुनाई हुई। आप देख सकते हैं परिजनों का कितना बुरा हाल है। सर स्वागत है आपका जी नमस्कार। क्या नाम है? तेरह तारीख को पप्पी को पुलिस उठा के ले गई घर से, 4-5 पुलिस वाले आए उसको उठा के ले गए, बोले भाई हम इसको किसी केस के तफ्तीश में उठा के ले जा रहे हैं। 13 के बाद 17 को उन्होंने पता दिया कि भाई इसकी डेथ हो गई। 17 की रात को एमसी के पास फोन आया उसको, उसके बीच में 18 की सुबह रात को 12 बजे के बाद, तो उसके बीच में ना ही कोई इनके परिजनों को उनसे मिलने दिया गया ना ही उनसे पप्पी से इनके घर वालों को कोई बात कराई गई। पप्पी जब इसकी डेथ हो गई 18 को हम गए पोस्टमार्टम में, तो वहाँ जो पुलिस वाले थे जो जीन के आईओ थे उन्होंने हम पे पूरा दबाव बनाया अभी पोस्टमार्टम ना कराया जाए। फिर हमने देखा उसके निशान की डेड बॉडी को उठा के अब बुरी तरह से उसके प्राइवेट पार्ट के अंदर डंडे डाल के मतलब बिल्कुल जानवरों की तरह बर्बरता से उसका मर्डर किया गया। हमारी मांग अभी यही है पुलिस वाले से, जो डीएसपी साहब 2 बार आ रही है 18 तारीख को चुराना थाने का घेराव किया हमने, अब भी आप कार्रवाई करो पुलिस वालों के खिलाफ, मगर पुलिस वाले लोली पोक दे रहे हैं ये करें हम कार्रवाई करेंगे करेंगे करेंगे, मगर अब तक उनके खिलाफ एक प्रथम FIR भी दर्ज नहीं हुई है। हमारी प्रशासन से यही मांग है कि जो पुलिस वाले दोषी हैं उनके खिलाफ एट्रोसिटी में मामला दर्ज किया जाए, परिवार के जो मृतक उसकी पत्नी को कंपनसेशन के तौर पे एक गवर्नमेंट नौकरी प्लस में 50 लाख रुपए दिए जाए। बस हमारी सरकार से यही मांग है, अगर ये मांग सरकार नहीं मानती चाहे यहाँ 2 महीने लग जाए 3 महीने लग जाए हम डेड बॉडी को अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। तो क्या लगता है प्रशासन आपकी बात को मानेगा, क्योंकि आप लोकल से यहाँ बैठे हैं? हम 2 दिन से यहाँ बैठे हैं, प्रशासन सिर्फ आके लॉलीपॉप देने का काम कर रहा है, कोई ठोस आश्वासन प्रशासन की तरफ से अभी तक हमें नहीं मिला है। क्या आगे की रणनीति रहेगी?
आगे की रणनीति ये है, अब यहाँ पे जो जितने भी हमारा समाज के लोग इकट्ठे हो रहे हैं वो बैठ के डिसाइड करेंगे कि भी आगे का अगर सरकार नहीं मानती है तो आगे हम क्या करें। हम जरूरत पड़ने पर हम पूरी हरियाणा विधानसभा का घेराव भी कर सकते हैं। जी नमस्कार जी, मेरा नाम है, राष्ट्रीय कल हमारे पास तरीके से तो यहाँ तमाम हमारी टीम के लोग आए हुए हैं। ये 13 तारीख में ये पुलिस स्कूल भाग लिया थी और 17 तारीख की रात के 12 बजे के पास हत्या हो गई और हत्या होने के बाद आज 18 तारीख से लेकर आज तक इन्होंने वहाँ थाने के सामने भी इसको डेथ बॉडी पर रखने की बात की, लेकिन जो यहाँ का DSP है उसने ये कहा भाई तुम्हारा लाठी भी लगेगी और तुम्हारे ऊपर मुकदमे भी दर्ज होंगे। तो गरीब आदमी है, पहले से ये भयभीत तो लोग हैं क्योंकि इनका एक आदमी चला गया, दूसरे आदमी तो टाइम टू टाइम कमा के खाने वाले लोग हैं, लेकिन यहाँ का जींद का पूरा पुलिस प्रशासन पूर्ण रूप से भ्रष्ट है। आए दिन यहाँ दलितों पर पिछड़ों पर रोज अत्याचार होते हैं, लेकिन यहाँ का प्रशासन उस बात को दबा देता है। कुछ दिन पहले हमारे गांव में भी हुआ था, 2.5 महीने तक वो बेचारे गरीब आदमी न्याय की तलाश में ढूंढते रहे, लेकिन 2.5 महीने में हमने यहाँ जींद वन भवन चला गए, जब 10 आदमियों को गिरफ्तार कराया और 22-23 आदमी थे, बाकी ये पुलिस वाले गृहस्थ लोग बैठे हैं, पैसा खा गए और उन लोगों को भी उनमें निकाल दिया। और ये जो मौजूदा जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ये इन गरीबों के बलबूते भाई थी और इन पर सबसे ज़्यादा एट्रोसिटी हो रही है और सरकार नहीं चाहती। जब सरकार के संज्ञान में है ये बात तो आज तक क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे? ये लोग 3 दिन से भूखे बैठे, इन मोर लोग भी मर जाए, इतनी गर्मी है, पानी ये नहीं पी सकते, खाना ये नहीं खा रहे, क्यों? जिसके नौजवान की डेड बॉडी इनके कदमों में पड़ी है, कैसे उस पर लाश पर कैसे खाना खाऊंगे? तो यहाँ का जो पुलिस प्रशासन है ये पूर्ण रूप से भ्रष्ट है। हम यहाँ हमारे पूरे प्रदेश से लोग आने लग रहे हैं और हम 1 घंटे के अंदर आने वाले हैं, लोग कोई ना कोई डिसीजन ले गए और हम इस डेड बॉडी को वहाँ GT रोड पर रखेंगे, क्योंकि हमने पता है हरियाणा 2-3 महीने पहले करनाल में भी पुलिस ने ऐसे CIR ने उठा गए एक टेलर मास्टर को, वो कैशव समाज से था, उसको पीट पीट कर हत्या कर दी थी। 5-6 दिन डेड बॉडी पड़ी रही, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी। जब हमारा पूरा प्रदेश का शेड्यूल कास्ट बैकपुर समाज इकट्ठा हो गया, जब पानीपत का हाईवे घेरा, जब जाकर पुलिस प्रशासन ने वही SP आया, वही DC आया और उसी समय तुरंत समय उसकी कार्रवाई हुई। तो यहाँ का जो पुलिस प्रशासन है इसमें जाति विशेष के लोग बैठे हैं, वो गरीबों को इंसाफ देना नहीं चाहते। वो जब ये गरीब आदमी एक नमक की थैली का भी टैक्स देते हैं, सबसे ज़्यादा ये इनकी आबादी है, जब टैक्स ये देते उसकी टैक्स से तनख्वाह लेते, को अपनी जात से तनख्वाह तो जात थोड़ा तनख्वाह देती है, हरियाणा सरकार टैक्स लेती है, हरियाणा सरकार हमारे पैसे से उनको तनख्वाह देती है, तो जाति पाति किस बात की है? तो ये पूर्ण रूप से भ्रष्ट SP भी भ्रष्ट है यहाँ का, इससे भ्रष्ट SP पूरे प्रदेश में और कोई नहीं है। हमने 2-3 मामले उठाए हैं, दोनों तीनों मामले में जैसे वो महादलित बैठे हैं उनका बहिष्कार कर दिया था, उस दिन लाठीचार्ज हुई हमारे ऊपर SP का, हमने पुतला फूंक के चार खट्टर का, SP का और गृह मंत्री का 4 पुतले बनाए थे। जब भी इसने कोई कार्रवाई नहीं करी, उल्टा हमारे लोगों को इसने मुकदमे दर्ज कर दिए। ये पूर्ण रूप से जातिवाद से ग्रस्त आदमी है SP, इसको तुरंत यहाँ से बर्खास्त करा जाए, ऐसे आदमी को रखने की जरूरत नहीं है जो गरीब आदमी को इंसाफ ना दे सके। तो आए दिन यहाँ अत्याचार होते हैं, जिन जिले में सबसे ज़्यादा अत्याचार होते हैं और USP किसी को इंसाफ नहीं देता। एक महिला सपीतों की थी, उसके साथ पुलिस वाला ने नीलम नाम है उसका, उसके साथ भी ऐसे ही करा, उसके कपड़े पार दिए, उसके साथ रेप करने की कोशिश करी, सारा समाज गया उसके पास, जब भी उसने कहा तो झूठी दरखास्त है। तो ऐसा भ्रष्ट आदमी ये पैसे खाता ही अपने घर बनाता है, इसने गरीबों से किसी बात की न किसी की अब इज्जत आबरू से कुछ नहीं लेना। और अब हम बगैर आंदोलन के हमारे को कोई इंसाफ आज तक मिला नहीं, हम आंदोलन करेंगे, इस डेड बॉडी को वहाँ ले जाएंगे, GT रोड को उठा कर
एक डेढ़ घंटे में हमारे आदमी चौकड़ी से पूरे हरियाणा प्रदेश से आने लग रहे हैं। फिर करो या मरो की लड़ाई झड़ा, हमारा भाई चला गया, हम चले जाएंगे, हम बुझ दिल नहीं है, हम इंसाफ लेना चाहते हैं, इंसाफ ले कर रहेंगे। इतना कह सरकार मुर्दाबाद।